हारा हुआ देश क्या करता है, पीछे से वार। पाकिस्तान अब यही कर रहा है। कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने भारतीय सेना के एक जवान के शव को शत विक्षत कर दिया। ये ऐसी अमानवीय घटना है जिसके बारे में सोचकर ही आप और हम कांप जाएंगे। ऐसी घटनाओं का पाकिस्तान का इतिहास लेकिन हमेशा से रहा है। 2013 आपको याद होगा, जब लांस नायक हेमराज के साथ पाकिस्तान ऐसी ही हरकत कर चुका है। लेकिन इस बार सेना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। एलओसी पर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा। शहीद के शव से बर्बरता। पहले आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और फिर सीमा पर भारतीय सैनिकों से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। शुक्रवार रात सीमा पर उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के माझिल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से जारी गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया, जिसके बाद भारतीय सीमा में अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों ने शहीद जवान मनदीप के शरीर को शत विशत कर दिया। इस बीच पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार कवर फायरिंग करते रहे, जिसका फायदा उठाकर आतंकी वापस पीओके में घुस गए। 17 पंजाब रेजिमेंट के जवान मनदीप के साथ हुई इस बर्बरता पर सेना ने उचित जवाब देने की बात कही है। इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने बयान जारी कर कहा है कि आतंकियों ने पीओके में भागने से पहले भारतीय सेना के जवान का शव शत विशत किया। ये बर्बरता सीमा पार के आधिकारिक और अनाधिकृत संगठनों का असली चेहरा है। इस करतूत पर उचित जवाब मिलेगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो चुका है, जिसके बाद एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को देखा गया है, जो ऐसे घिनौने काम को अंजाम देता है। पिछले एक दिन पहले जो है वो उनके कुछ लोगों ने फिर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने बैकपैक और लोगों को देखा था, लेकिन उनको फिर जो है फायरिंग से रिपल्स कर दिया गया। इससे पहले 2013 में पाकिस्तानी सेना ने लांस नायक हेमराज का सिर काटा था। इसके बाद एक वीडियो भी जारी किया गया था। उस समय भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने हेमराज का सिर काटा था। कारगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तानी सेना ने इंडियन आर्मी के अफसर सौरभ गालिया समेत 6 जवानों को बंदी बना लिया था और गर्म लोहे की रॉड से शरीर में छेद किया गया और आंखें फोड़ दी गई थी। इस बीच पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार फायरिंग जारी है। शुक्रवार को भी 5 जगहों पर सीज फायर तोड़ा गया। जम्मू के बालाकोट और झम सेक्टर के अलावा पलनवाला, सुंदरबनी, नौशेरा, कठुआ और आरएसपुरा सेक्टर में भी भारी गोलाबारी हुई। इन फायरिंग में 2 नागरिकों की भी मौत हुई। भारत की जवाबी कार्रवाई में पिछले एक हफ्ते में 15 पाक रेंजर्स मारे गए हैं, तो पिछले 2 हफ्तों में सेना और बीएसएफ के 5 जवान शहीद हुए हैं। उस तरफ का नुकसान जो हमारे लोगों ने देखा है और हमारे लोगों ने एसेस किया है, तो कम से कम जो है वो पिछले सप्ताह से करीब 15 जो है वो चाहे रेंजर्स या मतलब सेना से जुड़े हुए लोगों की डेथ हुई है। और इंजरी सिविलियन पॉपुलेशन में भी डेथ एंड कैजुअलिटीज और इंजरी जो है वो लगातार हो रही है। सूचनाएं आ रही हैं कि वो टेम्पररी एमआई रूम्स बना रहे हैं, उनके अस्पताल जो है वो भर गए हैं इंजरीज से, और मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि लाशों के दफनाने के लिए लोगों को जमा होने के लिए कहा जा रहा है। इन सब चीजों से लग रहा है कि उनको जो है वो हमसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया था, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका बीएसएफ माकूल जवाब दे रही है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। उरी में हमला हुआ तो पाकिस्तान को पीओके में भुगतना पड़ा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तानी आतंकियों के कई लॉन्च पैड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब अगला बदला शहीद जवान के शत विक्षत शव का लिया जाएगा। पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाले समय में
सैनिकों का सम्मान करना पाकिस्तान वाले सीख जाएंगे। आतंकियों की बर्बरता का बदला लेगा हिंदुस्तान। वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड टू एनी एक्ट ऑफ द एडवर्सरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। जैसे हिंदुस्तान ने लिया था उरी का बदला, शुक्रवार रात सीमा पर कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में जिस तरह पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय जवान शहीद मनदीप के शव का अपमान किया, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये उसी तरह का बदला होगा जिस तरह का बदला उरी अटैक के बाद लिया गया था। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। पहले ही बीएसएफ को आदेश दे दिया गया है कि पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का 10 गुना ताकत से जवाब दिया जाए। पाक की तरफ से एक मोर्टार आने पर बदले में 10 मोर्टार दागे जाए। लगातार जो है वो सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं आरएसपुरा सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, जम्मू में खास करके, और उन सब का जो है वो माकूल जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान सीमा के पास के गांव को निशाना बना रहा है जिससे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। उस तरफ का नुकसान जो हमारे लोगों ने देखा है और हमारे लोगों ने एसेस किया है, तो कम से कम जो है वो पिछले सप्ताह से करीब 15 जो है वो चाहे रेंजर्स या मतलब सेना से जुड़े हुए लोगों की डेथ हुई है, और इंजरी सिविलियन पॉपुलेशन में भी डेथ एंड कैजुअलिटीज और इंजरी जो है वो लगातार हो रही है। सूचनाएं आ रही हैं कि वो टेम्पररी एमआई रूम्स बना रहे हैं, उनके अस्पताल जो है वो भर गए हैं इंजरीज से, और मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि लाशों के दफनाने के लिए लोगों को जमा होने के लिए कहा जा रहा है। इन सब चीजों से लग रहा है कि उनको जो है वो हमसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आपको आरएसपुरा सेक्टर का हाल दिखाते हैं जिसे पाकिस्तान सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है। सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर इसी तरह किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। यह आरएसपुरा का आईटीआई कॉलेज है जहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में रह रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने गांव से पलायन कर लिया। इस समय जहां हम खड़े हैं, ये आईटीआई कॉलेज है आरएसपुरा का, यहां पे इस समय 7 गांव से लोग पलायन करके आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में ठहरे हैं, लेकिन इस आईटीआई में भी इस समय 150 से ज़्यादा लोग जो हैं ठहरे हुए हैं। आरएसपुरा के गाँव में रहने वाले लोग हर दिन हर पल मौत का सामना कर रहे हैं। गाड़ियों को यहाँ पर रुकवा रहे हैं, क्यों? आगे पाकिस्तान की तरफ से बहुत हैवी फायरिंग चल रहा है, इसलिए लोगों को हम जहां पर रोक रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा तब जाना, इतनी देर तक जहां पर रुके रहो। आप लोग जो है कहां जाना चाह रहे थे और क्यों यहां पे आपको रोका? हम तो कि ना गांव छोड़ के थोड़ा देर लंगरियाली में रह रहे हैं, और बाकी राशन पानी तो वो माल मलेशिया सब बाकी पीछे पड़ा घर में। पाकिस्तान की कोशिश आम लोगों को निशाना बनाने और आतंकियों को घुसपैठ कराने की है। इसी नापाक कोशिश के लिए पाकिस्तान को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कायर कहा है। हमारा पड़ोसी हमारे साथ प्रॉक्सी वार लड़ना चाहता है आतंकवाद का सहारा लेकर। बहादुर वह होता है जो प्रॉक्सी वार नहीं लड़ता है बल्कि अपने सीने का बटन खोलकर आंख से आंख मिलाकर लड़ता है, वही बहादुर कहा जाता है, नहीं तो छिपे रुस्तम लड़ाई लड़ने वाले यह कायर होते हैं। बॉर्डर पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं और जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, आरएसपुरा।